छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिले में दोनों ही पार्टियों के नेताओं का दौरा कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें कि दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल और आज छत्तीसगढ़ आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ के जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में हुआ। लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें प्रमुख तौर पर उन्होंने मरवाही उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग न होने की बात कही। जब जिला कांग्रेस दो धड़े में बैठे होने की बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर मीडिया कर्मियों से इस बात की जानकारी निजी तौर पर देने की बात कही, क्योंकि उनके आसपास जो कार्यकर्ता है वह इस बात से उन्हें अनभिज्ञ रखते हैं। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसानों के कर्ज माफी की बात कही। युवाओं को रोजगार देने के मामले में उन्होंने पुलिस में भर्ती, शिक्षा कार्यों की भर्ती का हवाला दिया, परंतु लॉकडाउन के कारण यह क्रियान्वित नहीं हो सका। आबकारी मंत्री होने के नाते जब शराब से संबंधित सवाल किए गए तो उन्होंने बखूबी उनका जवाब भी दिया। कहा कि आदिवासियों के स्वयं के उपयोग के लिए कच्ची शराब बनाई जाती है, उस पर कार्यवाही ना करने का पुलिस विभाग को आदेशित करने की बात कही। मध्य प्रदेश से लाई जा रही अवैध शराब के संबंध में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी होना प्रायोजित बताया। गोरेला से संवाददाता संतोष नामदेव की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव से तैयारी रहता है कि हम लोग दूसरा पार्टी टाइप का प्रशासन को दुरुपयोग नहीं करते। हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, बूथ से स्तर से लेके, ब्लॉक स्तर से लेके, जिला स्तर से लेके, प्रदेश स्तर से लेके, हमारा कांग्रेस पार्टी का वर्कर, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है। हम लोग अधिकारी का बिल्कुल ही दुरुपयोग नहीं होगा। अधिकारी हमारा चुनाव में कभी हम मदद नहीं करते। जोगी के गढ़ को भेज पाने में सफल होंगे? हम माननीय अजीत जोगी साहब को बहुत समर्थन करते हैं। देश का लीडर थे, पूरा हिंदुस्तान का लीडर था, छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री था, हम उसको समर्थन करते हैं। लेकिन भगवान का विधि का विधान है, हमारा बीच में नहीं है। अभी तो लोग चुनाव आयोग ने चुनाव कराएगा, इसलिए हम लोग चुनाव में खड़े उतरेंगे और चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जीत। कांग्रेस डीजल और पेट्रोल के मूल्य वृद्धि को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है, बैलगाड़ी से यात्रा निकाल के सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं आबकारी मंत्री होने के नाते और प्रदेश शराब की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है, दोनों का संतुलन। आज पूरा देश में, हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल का रेट आसमान छू रहा है। हिंदुस्तान आजादी के बाद पहला बार लगातार डीजल का रेट बढ़ा, ये रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, भूपेश बघेल ने, मोहन मरकाम ने, छत्तीसगढ़ में भी हम लोग प्रदेश स्तर से लेके, युवा कांग्रेस से लेके, सब लोग मिल के ब्लॉक स्तर तक लड़ाई लड़े। सोनिया गांधी पूरे देश में लड़ाई लड़ी, इसलिए आज रोज बढ़ता रहा, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हमारा लड़ाई बंद नहीं होगा। तब तक डीजल का रेट कम नहीं होगा। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, ये क्योंकि इस समय किसान का समय है। आजकल नागर लोग कम जोतते हैं, ट्रैक्टर में किसानी करते हैं, ये किसान लोगों को कमर तोड़ने का, किसान लोगों का जेब में डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार ने किया है। उसका लड़ाई सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। अब दारू का सवाल बात किए, आज आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और तुम्हारा दिल्ली में दारू का रेट बहुत आसमान छू रहा है। 70% रेट बढ़ा है कोरोना के कारण। हम लोग सिर्फ कोरोना में 10% बढ़ाए, और हमारे गुरु भूटान में उसमें 5-5 रुपये बढ़ाए।
ये सबसे हिंदुस्तान में कम रेट दरों का रेट बढ़ाए, और सब आप नट पे देखे होंगे तेलंगाना महाराष्ट्र में दिल्ली में 70% बढ़ाए, सबसे कम रेट बढ़ाने वाला छत्तीसगढ़ है। आम चुनाव में विधानसभा आम चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी गंगा जल लेकर को संकल्प ली थी विभिन्न मुद्दों पर लेकर के कि सरकार में आने के बाद उसको पूरा करेंगे, ऐसा कौन सा संकल्प है जिसको सरकार में आने के बाद पूरा नहीं करेंगे? हम लोग पहले हमारा सरकार ने हमारा पार्टी ने 36 वायदा घोषणा पत्र लिखे थे, 22 वायदा पूरा हुआ है। सबसे मेन वायदा हिंदुस्तान में कर्जा माफी, हिंदुस्तान में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री होने बनने के बाद एक काना भी किसी उधारी नहीं है, हिंदुस्तान में पहला बार आजादी के बाद कर्जा माफ करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। आज 2500 रुपया देने का बात किए थे, लेकिन हम लोग दान खरीदी समय जब हम दान ले रहे थे दिल्ली का सरकार हमको डराया, हमको धमकाया, नोटिस के ऊपर नोटिस भेजा कि अगर 2500 रुपया दान खरीदी करेंगे हम तुम्हारा चावल नहीं लेंगे। हम लोग पत्र के ऊपर पत्र मुख्यमंत्री लिखा है, उसके बाद भी केंद्र सरकार नहीं मानने से हम लोग 1815 रुपये में दान खरीदी किया है। हम हर दान केंद्र में हम लोग वोट लिखा था, क्योंकि उतना दान लेने के बाद अगर दान चावल नहीं लेंगे, दान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार करेगा, लेकिन चावल लेने के बात आई तो उस चावल को हम क्या करेंगे, इसलिए हम लोग 1815 रुपये में दान किया। आज इतना कोरोना के बाद पुण्यतिथि के दिन पहला किस्त दिया है और जन मनाएंगे राहुल राजू गांधी का, स्वर्गीय राजू गांधी का, उस दिन फिर हम लोग दूसरा किस्त देंगे, क्योंकि उस समय पाला लगाने का किसान लोगों को घास छीलने का काम आता है, इसलिए हमारा जो वायदा है 2500 रुपया देने का। हम लोग लोंडीगुड़ा के जमीन टाटा कंपनी को भारतीय जनता पार्टी बेचा था, उसको आदिवासी को वापस करने में हिंदुस्तान का पहला चुनी हुई सरकार है। लोंडीगुड़ा का जमीन बस्तर में टाटा कंपनी का जमीन को वापस करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। हम लोग तेंदुपत्ता का रेट 4000 रुपए देंगे। अब चार ये जो एमपी से लगा हुआ बॉर्डर आबकारी विभाग यहाँ है नहीं, और एमपी के बॉर्डर से जिस तरीके से एमपी से दरारू यहाँ आई जा रही है, और हमारी जो गवर्नमेंट की जो बाजार है मार्केट दुकान है वो उसे वेलकम है, आबकारी विभाग का यहाँ न रहना और उन लोगों को पुलिस कहाँ तक कार्रवाई करेगी? आदिवासियों के दारू कच्ची दारू आदिवासी बेचारे अपने पीने के लिए बनाते हैं, इसको गवर्नमेंट छूट देगी, उनको भी पकड़ा जाता है, उनके साथ में भी दुर्व्यवहार होता है, तो ये कैसे चलेगा? अभी गुरेला मरवाए फेडरल जिला नया जिला है, सेटअप बनने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, अभी कोरोना कारण भी सेटअप बनाने में दिक्कत हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी हम पूरा सेटअप बनाएंगे या डीओ नियुक्ति करेंगे, और हर विभाग का जो विभाग का अधिकारी होगा उनको पूरा करने के बाद ये गोरेला जिला को हम ठीक कर देंगे। और दूसरी बात आपका है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बड़े बड़े बात करने वाले लोग हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ का दारू वहाँ नहीं जा रहा है, उड़ीसा का दारू नहीं आ रहा है, तेलंगाना का दारू नहीं आ रहा है, हमारे आंध्रा का दारू नहीं आ रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सरकार उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी का सरकार हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी का सरकार मध्य प्रदेश में, वो इधर हुआ रहा है। लेकिन हमारा पुलिस को मैं बधाई देता हूँ, मेहनत करके कल परसों भी पकड़े हैं, महासमुंद में भी पकड़े हैं, वो मध्य प्रदेश का दारू पकड़े हैं। ये अभी हम लोग पुलिस चौकी बना रहा हूँ, और जैसे आरटीओ नहीं है, आरटीओ टाइप का बॉर्डर में जिस बॉर्डर में हमारा चौकी होगा, हमारा विभाग का चौकी रहेगा, हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। छोटा सा एक जो है जो आदिवासी क्षेत्र है तो उनमें जो बेचारे खुद अपने बनाने के लिए, मैं अभी डीओ को या कलेक्टर को निवेदन करके जाऊंगा, आदिवासी को जब बट्टी बंद हुआ है, हमारे कांग्रेस पार्टी का नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने हमारे आदिवासी के लिए छूट दिया हुआ है, उसको नहीं पकड़ना है। जो कच्चा दारू मतलब जो मोवा दारू बेचेगा वो हमारा परंपरा है, तो इसलिए हमारा मंदिर में, हमारा शादी में, हमारा विवाह में उसको तरपते हैं, उपयोग होता है, इसलिए जो मध्य प्रदेश से दारू आएगा उन्हीं को पकड़ना है, ये निर्देश हम देगा। आदिवासियों के साथ जो अच्छा क्या प्रदेश भाजपा के पूर्व नेता भाजपा के नंद कुमार साय ने कटाक्ष किया है, प्रदेश को तेजस्वी नेतृत्व की जरूरत है। कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा उसे प्रतिक्रिया दी गई कि भाजपा के 14 सीट जिन कमीशन खोलों के कारण भाजपा 14 सीट में
या कांग्रेस भी उन्हीं अवसरवादियों को सत्ता में आने के बाद प्रश्रय देकर के जगह देकर के बढ़ावा देकर के कांग्रेस भी वही गलती नहीं दोहरा रही जो भाजपा की। कांग्रेस पार्टी कभी वो गलती नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी आज माननीय मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में दूसरा नंबर, उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 25 साल का मुख्यमंत्री है वो पहला नंबर आया, हमारा 18 महीना का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में दूसरा नंबर आया, भारतीय जनता पार्टी का कहा सरकार 10 नंबर तक नहीं आया। इसलिए ताकतवर मुख्यमंत्री और ताकत युवा नेता आदिवासी विधायक कोंडागांव का हमारे मोहन मरकाम, ये दोनों का नेतृत्व सोनिया गांधी का आशीर्वाद, राहुल गांधी का आशीर्वाद में ये कांग्रेस का चलेगा, दूसरा लोग का नहीं चलेगा। बोले एक अंतिम सवाल, प्रदेश कांग्रेस अभी बात चली इसको लेकर के, उसमें एक अंतिम सवाल ये, प्रदेश संगठन आपका जो गुटबाजी कांग्रेस नेतृत्व में संगठन जो रवेला कंडा मार रही है, आपसी खींचतान दिख रही है, क्या इसको चुनाव तक पार्टी मैनेज कर लेगी या चुनाव में बहुत बड़ा कोई नुकसान पहुंचा सकता है ये गुटबाजी? ये कांग्रेस पार्टी में बूथ स्तर का कार्यकर्ता से लेके जिला स्तर का कार्यकर्ता लेके, इसलिए इसको अगर छोटा एक आदिवासी एरिया है मैं समझता हूँ उतना गुटबाजी नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत भी कहीं गुटबाजी होगा तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष बहुत लड़ने वाला है, हमारे युवा कांग्रेस अध्यक्ष है, हमारा मुख्यमंत्री है, उसका निर्देश का पालन, एक एक कांग्रेस का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे बूथ कमेटी का कार्यकर्ता हो चाहे ऊपर लेवल का कार्यकर्ता हो उनको, इसलिए अटल श्रीवास्तव को भी प्रभारी बनाया गया है, हमारे एक दो दो विधायक को यहाँ प्रभारी बनाया गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रभारी बनाया गया है, हम इसको समीक्षा करेंगे। अगर आपके नॉलेज में और किसी के नॉलेज में भी अगर थोड़ा बहुत भी गुटबाजी जैसा होगा, हम यहाँ नया नहीं हूँ, जब स्वर्गीय जोगी जी चुनाव लड़ रहा था मैं 15 दिन था, जब रेणु जोगी चुनाव लड़ रहा था कोटा में मैं 20-15 दिन था, मैं मरवाई के लिए और तुम्हारे क्षेत्र के लिए मैं नया नहीं है, हम गुटबाजी अगर आपके नॉलेज में कही है तो अलग से मेरे को बता देना, हम इसको पूरी तरह से ठीक करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.